गाइस, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक है, इसका विड्रॉल स्लिप किस तरह भरते हैं, यानी निकालने की जो पर्ची होती है उसे किस तरह भरा सकता है। तो पहले ये पर्ची है, ज़्यादा एंट्रीज है नहीं, थोड़ी सी एंट्रीज है, देखने तो क्या है। शाखा जिस भी ब्रांच से आप पैसे निकालने, उस ब्रांच का आपको नाम यहाँ पर डाल देना है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की। जिस दिन भी पैसा निकालेंगे उस दिन की आपको यहाँ पर डेट डाल देनी है। जितना अमाउंट निकालेंगे उसको इंग्लिश में लिख देना है। मुझे 5000 मैं निकाल रहा हूँ तो 5000 ओनली आपने लिख देना है। इन नेम ऑफ जिस भी नाम से आपका खाता चलता है उस नाम को आपको यहाँ कैपिटल में डाल देना है। यहाँ पे आपको डाल देना है अपना अकाउंट नंबर, जो भी आपका सेविंग या करंट अकाउंट नंबर है वो आपको डाल देना है। यहाँ अमाउंट डाल देना है फिगर्स में कि कितना आपको निकालना है, और यहाँ पे आपको साइन करना है। पर एक चीज़ खास बता दूँ, आपको साइन यहाँ पर वो वाला करना है जो आपने बैंक में दिया था एट द टाइम अकाउंट ओपनिंग की। तो दूसरा साइन ना हो, वरना आपका पेमेंट जो है मना हो जाएगा, नहीं दिया जाएगा। तो साइन वही करिएगा, और इसी के यही साइन आपको एक जो है पीछे भी कर देना है सिक्योरिटी पर्पज़ से। और जो है, और एक चीज़ और कोशिश करिएगा कि आप देख सकते हैं ऊपर लिखा पासबुक मस्ट अकंपनी विद दिस विड्रॉल स्लिप, यानी कि जो भी इसकी संबंधित पासबुक है वो भी आपको ले जानी ज़रूरी है। दोनों को साथ में कैशियर को प्रेजेंट करना है, तभी आपको पैसा मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो पासबुक के साथ आपको ये पर्ची देनी है, तो आपको पासबुक एंट्री के बाद पैसा दे दिया जाएगा। तो ये था वीडियो में, तो वेल वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं इसकी डिपॉजिट स्लिप वाली वीडियो पे। एंजॉय वीडियो, एंजॉय करिए, बाय।